हेलो दोस्तों, पावर ग्रिड के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहां पर कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में बात करेंगे, डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, जो फाइनल डिविडेंड है उसके बारे में, और क्वार्टर वन में क्या इंपॉर्टेंट नंबर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पावर ग्रिड का बोनस को डिस्कस करते हैं। तो बोनस क्या रेशियो में आ रहा है? 1:3 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास 3 शेयर हैं पावर ग्रिड के तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। सिमिलरली आपके पास अगर 30 शेयर हैं तो आपको बोनस शेयर यहां पर 10 बोनस शेयर मिल जाएंगे। वैसे ही अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आपके पास 90 शेयर है तो आपको यहां पर 30 बोनस शेयर मिल जाएंगे। तो कैसे यहां पर कैलकुलेट करना है? जितने भी शेयर आपके पास हैं उसको आप डिवाइड बाई 3 कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बोनस यहां पर मिल सकता है। लेकिन यस, यहां पर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर है, ठीक है? तो 100 शेयर के केस में जनरली क्या होगा कि आपको 33 या 33 जो शेयर्स हैं वो आपको मिलेंगे। 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 33.33 समथिंग आएगा, ठीक है? तो 33 शेयर आपको मिलेंगे। तो बाकी का जो फ्रैक्शनल पार्ट जो रह गया उसका पेमेंट हो जाता है। तो वो एक फुल प्रोसेस होता है। जब डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। जनरली क्या होता है कि जितने भी फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है, एक जगह में लाया जाता है, फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कमिटी बैठाते हैं, फिर उसको बेचा जाता है, फिर बेचने के बाद थोड़ा बहुत जो भी कैश होता है वो डायरेक्टली जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में आ जाता है। बहुत ज्यादा नहीं रहता है एक्चुअली में, ठीक है? तो वो फ्रैक्शनल शेयर का थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, क्योंकि ये भी बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। बट फिलहाल अगर आपके पास, जैसे मैंने सिंपल बताया, अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको 1 शेयर के हिसाब से पावर ग्रिड का बोनस मिलेगा। अब बोनस को लेकर इंपॉर्टेंट जो अभी तक, क्योंकि अभी तो सिर्फ फर्स्ट कट में यहां पर लाया हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन और जो न्यूज है वही आई है, ये 25 सितंबर तक बोनस डिस्पैच हो जाएगा। मतलब एक सेफ एजम्पशन जैसा हम ले सकते हैं कि 2 महीने के अंदर में, ये जो मीटिंग हुई है जुलाई 31 को, बिल्कुल जुलाई एंड में हुई है, तो 2 महीने के अंदर पूरा जो बोनस का जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट का जिसका वेट रहेगा वो होगा रिकॉर्ड डेट, क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट रहेगी उस दिन आप देखेंगे कि जो शेयर प्राइस है वो भी अचानक से थोड़ा गिरता हुआ नजर में आएगा, क्योंकि बोनस एडजस्टमेंट होगा। और रिकॉर्ड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक होगा पावर ग्रिड का, वो इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी वो रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, वो कब आएगी अभी इस मोमेंट पर बोल पाना मुश्किल है। बट यस, एक्सपेक्ट, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही सितंबर एंड तक कंप्लीट होने का चल रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहेगा कि ये सितंबर के शुरुआत में ये डेट आनी चाहिए। बट हम लोग वेट करेंगे अगले कुछ सप्ताह में, जब और ज्यादा डेट को लेकर क्लैरिटी आएगी। अब नेक्स्ट चीज को हम लोग बात करेंगे, वो है फाइनल डिविडेंड जो कि पावर ग्रिड की तरफ से आ रहा है। 4.75 रुपीज का फाइनल डिविडेंड है ये। इनफैक्ट जो डिविडेंड है, जब फाइनल रिजल्ट्स आए थे, Q4 के जो रिजल्ट्स आए थे मई के महीने में, उस समय में कंपनी ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ था, उसका August 8 को रिकॉर्ड डेट होने वाला है और जो पेमेंट होगा वो AGM के, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के बाद होगा। तो फिलहाल इस मोमेंट पर AGM की डेट अभी तक अननोन है, बट जनरली हमने देखा है अगस्त के आखिरी सप्ताह में या जो सितंबर का जो होता है उस समय में AGM होती है। तो जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके बाद में इस डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडीज, पैसिव इनकम के बारे में बहुत सारे कंटेंट को शेयर करते हैं और रेगुलर मैं इन कंटेंट्स को मैं लाता हूं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 3,300 से ज़्यादा की जो ग्रुप की कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है उस ग्रुप से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब फाइनल डिविडेंड के साथ साथ अब डिविडेंड की डिस्कस करते हैं कि पूरा जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ तो कैसा डिविडेंड पावर ग्रिड की तरफ से आया है। तो टोटल आप देख सकते हैं 10 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड इससे पहले आया हुआ है 2 बार, एक बार नवंबर के महीने में और एक बार फरवरी के महीने में, 5-5 रुपए करके। और अभी का 4.75 रुपीज जो हमने यहां पर डिस्कस किया, इसको फाइनल डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते तो टोटल फाइनेंशियल ईयर 23 में जो डिविडेंड बन रहा है वो है 14.75 रुपीज का, ये डिविडेंड यहां पर बन रहा है। अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो बनाने का आप देख सकते हैं 266 के पास ये शेयर प्राइस है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये 31 जुलाई का शेयर प्राइस है 266 के आसपास में, तो उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे 5.5% के डिविडेंड यील्ड हो रही है। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जो भी करंट जो भी शेयर प्राइस होता है। 260 का शेयर प्राइस होगा तो अलग डिविडेंड यील्ड होगा, 250 में अलग होगा, 280 में अलग होगा, तो अलग अलग शेयर प्राइस है। तो अभी का जो प्राइस है उसके हिसाब से एक 5.5% की डिविडेंड यील्ड हमको पावर ग्रिड में देखने को मिल रही है। अब वेट रहेगा जो बोनस के इंपॉर्टेंट डेट्स का,
और किस हिसाब से जो डिविडेंड ये जो 4.75 रुपीज है उसका पेमेंट के लिए जो एजीएम है उसके बारे में दोस्तों। अब क्वार्टर वन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, सबसे पहले रेवेन्यू परफॉर्मेंस। जैसे पिछले साल जो अप्रैल से जून, क्योंकि ये क्वार्टर वन अप्रैल से जून है, पिछले साल मतलब 2022 की बात कर रहे हैं, 10,905 करोड़ का रेवेन्यू तब हुआ था। अभी का जो क्वार्टर वन है जो फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है, 11,048 करोड़ हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट्स देखेंगे, जैसे पिछले साल जो क्वार्टर वन में प्रॉफिट्स 2,801 करोड़ थे, जो कि अपने में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 2,800 करोड़ का प्रॉफिट एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बार आप प्रॉफिट देखेंगे 2,597 करोड़, मतलब 2,600 करोड़ के आसपास में ये प्रॉफिट यहाँ पर हुए हैं। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट्स में एक माइनर जो है डिप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे एक स्टेबल नतीजे हैं, जहाँ पर रेवेन्यूज थोड़ा सा बढ़े हैं और प्रॉफिट जो है थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। ये सिर्फ फर्स्ट कट में यहाँ पर लेकर आया था, जहाँ पर मैंने बोनस के बारे में आपको इन्फॉर्म किया और डिविडेंड के बारे में इन्फॉर्म किया। आगे भी डिटेल्स आती रहेगी यहाँ पर, और भी मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट आएंगी, फिर ब्रोकरेजेस के व्यूज आएंगे और डिटेल बिजनेस एनालिसिस होगी। तो टोटल बिजनेस एनालिसिस लेकर हम अगले कुछ दिनों में एक और वीडियो बना लेंगे। आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।